चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस यकीन का इजहार किया है कि 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात में बीआरएस को ही इख्तदार हासिल होने वाला है, अगरचे कि ये बात हमारे मुखालिफीन को हजम नहीं हो रही है। ताहम ये एक हकीकत है कि थोड़ा सा गूंद चिपकने के लिए काफ़ी है। इस तरह आज बीआरएस पार्टी देखने में हमारे मुखालिफीन को छोटी लग रही है, लेकिन ये मुस्तकबिल में मुल्क के तमाम अवाम से करीब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बीआरएस पार्टी को गैर मुतवक्को तौर पर अवामी ताईद हासिल हो रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी को जो अवामी ताईद मिल रही है उसे देखकर वो खुद हैरान रह गए हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश और बिहार में बीआरएस को ज्यादा से ज्यादा अवामी ताईद हासिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में दलितों की मईशत को सुधारने के लिए दलित बंधु स्कीम को मुल्क भर में अमल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आज हुसैन सागर झील के साहिल पर अंबेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्मे की रंगारंग तकारीब में नकाब कुशाई के बाद दलितों के एक भारी इज्तिमा से खिताब करते हुए ये बात कही। अंबेडकर की जयंती के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से इस तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर के अलावा अंबेडकर की मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन, रियासती बुजरा, अरकान मुखन्ना, आला ओहदेदारों ने शिरकत की। अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में अब तक दलित बंधु स्कीम के तहत 50,000 दलितों को माली इमदाद फराहम की गई। इसके अलावा बहुत जल्द मजीद 25,000 अफराद को दलित बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत हर दलित को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है, जिसके जरिए वो अपना जाती कारोबार शुरू करते हुए अपने पैरों पर खड़े हो सके।